हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुर्ती का फ्रंट गला बताने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने बुकरम ली है। बुकरम की चौड़ाई है मेरी की बुकरम की 12 इंच, और उसके बाद जो मैंने इसकी लेंथ ली है वो भी मैंने 12 इंच ली है। चारों तरफ से बुकरम बराबर है। और उसके बाद मैं जो हमारा नेक होगा उसका निशान लगाऊंगी मैं 3 इंच पे। ये 3 इंच हो गया। और उसके बाद जो हमें गले की लेंथ रखनी है वो रखनी है हमें 6 1/2 इंच। तो मैं एक निशान लगाऊंगी 6 1/2 इंच पे इतना, और इस निशान को मैं सीधा कर दूंगी 3 इंच तक ही, इस तरीके से। ये देखिए। और उसके बाद मैं इसे कुछ ऐसे शेप दूंगी पान टाइप में। ये देखिए, यहां से मैं चौक को रखूंगी और इस तरीके से इसे ऐसे सीधा कर दूंगी। ये देखिए, इस तरह की शेप दी है मैंने इसे। करीबन 1 1/2 इंच का मार्जिन देके और उसके बाद इसे ऐसे सीधा कर दिया। और फिर मैं यहां से भी करीबन 2 1/2 इंच का मार्जिन रखूंगी इतना, और इस पे मैं पूरे पे निशान लगा लूंगी। यहां तक ऐसे इसी भी जैसे मैंने ऊपर निशान लगाया है पान टाइप में, उसी टाइप में मुझे ये भी कट करना है इतना। अब मैं इन निशान को सीधा कर दूंगी। ये देखिए, ये देखिए। अब मैं इस एक्स्ट्रा बुकरम को पहले कट करूंगी। पहले मैं इसे कट करूंगी। अब हमारा जो मैंने पैटर्न बनाया था, मैं इसको भी निकाल लूंगी। ये देखिए, मेरा गला कुछ इस प्रकार से होगा और मैं इसे पलट के बनाऊंगी। मैं अभी आपको बना के बताऊंगी। ये देखिए, मैंने कपड़ा लिया और उसके बाद मैंने 6 इंच का यहाँ से मार्जिन दिया है। ये मैंने 2 निशान लगाए हैं और उसके बाद मैं गले को इस पे सिल के तैयार कर लूंगी इसी शेप में। इसी शेप में यहां से देखिए कॉर्नर है, कॉर्नर पे से मुझे ऐसे मशीन को नीचे लाके फिर उठा के तब चलना है। ऐसे मैं पूरे गले को सिल के तैयार कर लूंगी। ये देखिए, मैंने ये सिल के तैयार कर लिया। उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो मैंने कट कर दिया है और बस इतना कपड़ा छोड़ा है जिसे मैं इसके बुकरम के ऊपर फोल्ड कर दूं इतना। अब मैं इस बुकरम के ऊपर चारों तरफ से कपड़े को फोल्ड कर दूंगी राउंडली। देखिए, इसे फिनिशिंग से करना है क्योंकि ये हमें पलट के बनाना है। अब मैं पूरे को सिल के तैयार कर लूंगी। ये देखिए, मैंने गला बुकरम के ऊपर सिल के तैयार कर लिया। उसके बाद मैंने ये कुर्ती में 20 सेंटर में कट लगाया और जो गले का हमारा कपड़ा है उसमें भी हमने कट लगाया है। और ये जो हमने कपड़ा इसमें ज्वाइंट किया था क्योंकि कपड़ा कम था। और ये देखिए, ये कुर्ती का सीधा कपड़ा है और ये कुर्ती का उल्टा कपड़ा है। तो हम इसे पलट के बनाएंगे तो हम गले को, ये सीधा गला है और ये उल्टा गला है, तो सीधे गले को हम उल्टे कपड़े की तरफ रख के, और उल्टा गला हमारा जैसे ये अभी उल्टा है तो हम इसे पलट के बनाएंगे तो ये हमारा सीधे कपड़े की तरफ को आ जाएगा और ये अंदर की तरफ इसे बंद हो जाएगी। बुकरम वगैरह सब इस कुर्ती के अंदर ढक जाएंगी। तो ये मैंने 20 सेंटर में निशान लगा के मैं इसे पिन से सेट करूंगी। आप चाहें तो इसमें सीधी सिलाई भी लगा सकती हैं, वरना आप इस पे इसे पिन से भी सेट कर सकती हैं इस तरीके से। अब ये देखिए, अब मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। सिलाई मुझे इसी सिलाई के ऊपर लगानी है, अच्छे से कपड़े को बराबर करके तब सिलाई लगानी है। ऐसे
चैनल से। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये देखिए सिलाई को ऐसे घुमाना है क्योंकि यहाँ पे हल्का सा हमने पान टाइप में इसे काटा था तो हल्का सा कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम इसे ऐसे इसी कॉर्नर तक लाएंगे यहाँ तक, और फिर इस तरफ से भी हम ऐसे ही सिलेंगे इसी शेप में, ऐसे गले को अच्छे से सेट करके जो गला टेढ़ा ना हो। फिर हम इसे पलट के बनाएंगे। ये देखिए मैंने गला सिल के तैयार कर लिया। उसके बाद मैं इस कपड़े को कट कर दूंगी, यहाँ से थोड़ा सा कपड़ा छोड़ना है, बाकी का हमें सारा कपड़ा कट करना है। जैसे हम कट लगाएंगे उसके लिए हमें थोड़ा सा कपड़ा छोड़ना है, इतना इधर से भी कट कर लेंगे। और फिर कुर्ती को उल्टा करके तब इसमें कट लगाने हैं, ऐसे सीधा करके। ये देखिए अब अच्छे से इसकी सिलाई दिख रही है, तो हम ऐसे पहले कॉर्नर पे कट लगाएंगे, सिलाई ना कटने पाए। ऐसे ऐसे पूरे में कट लगा के फिर हम इसे पलट देंगे। ये कॉर्नर पे अच्छे से कट लगाना है जिसे पलटने में कोई प्रॉब्लम ना हो तरीके से। अब ऐसे हम इसे सीधे कपड़े की तरफ को पलट देंगे। ये देखिए इस तरीके से आप इसे प्रेस से भी सेट कर सकती हैं, वरना इसे सिलाई से जैसे सिलाई लगाते जाएं और कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएं। ऐसे हम इसे पलट लेंगे और इस पर एक सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। यहाँ पे पूरे में सिलाई लगा के हम इसे तैयार कर लेंगे। ये कपड़ा हमारा अंदर होना चाहिए, जो ये कुर्ती का कपड़ा उल्टा दिख रहा है, तो इसे ऐसे अच्छे से सेट कर लेंगे और तब इसकी सिलाई लगाएं। ये देखिए गला बना के मैंने तैयार कर लिया है। उसके बाद मैंने ये गोल्डन कलर की पट्टियां काटी हुई हैं। ये देखिए ये पट्टियां हैं मेरी करीबन एक एक इंच की मैंने सीधी पट्टी काटी है। और उसके बाद ये जिस कलर की कुर्ती है हमारी उस कलर की मैंने ये जिससे मैं डोरी बना के सीधा करके तब इसमें अटैच करूंगी, ये मैंने 2.5 इंच की काटी हुई है। और उसके बाद मैं इसे सिल के सीधा करके तब इसमें डिजाइन बनाऊंगी, ये मैं आपको बना के बताऊंगी। अब ये देखिए जैसे मैंने आपको बताई थी मैंने 1-1 इंच की पट्टियां काटी हुई हैं, तो इनको मुझे इस तरह से सिलना है। सीधी पट्टियां हैं ये इस तरीके से, इसे एक तरफ इतना फोल्ड किया, दूसरी तरफ भी थोड़ा सा फोल्ड किया और फिर ऐसे हमने इसको सारे को ऐसे फोल्ड कर दिया और इसके ऊपर सीधी सिलाई लगानी है ऐसे ऐसे। फिंगर से अच्छे से इसे दबा लें। ऐसे मुझे सारी पट्टियां ऐसे ही सिलनी है। ऐसे मैं इसे पूरे को फिर के तैयार कर लूंगी। सिलाई मुझे सिर्फ एक तरफ ही लगानी है, दोनों तरफ सिलाई नहीं लगानी, सिर्फ इसी हिस्से में सिलाई लगानी है। ये देखिए अब मैंने तिरछी ये जो मैंने सीधी पट्टी कट की थी इसको मैंने सिल के तैयार कर लिया। उसके बाद मैं इसे गले पे अटैच करूंगी इस तरीके से इस शेप पे। ये इस पे 2 सिलाई लगेंगी क्योंकि ये चौड़ी है थोड़ी सी, तो ऐसे इसी शेप में इस पे लगा के लानी है जैसे इसमें कर्व है। और
और इस तरफ को भी। यहां से भी ऐसी लानी है, यहां से कॉर्नर है। ये देखिए, यहां से हमें हल्की सी इसमें प्लेट डालनी है इस तरीके से, यहाँ पे कॉर्नर पे, जैसे यहाँ से इसका भी सेंटर है, तो ऐसे हल्का सा कपड़े को फोल्ड करके तब डालनी है ये। यहाँ से और फिर ऊपर की तरफ को ऐसी शेप में इसे सिलना है, जैसे मैंने इस तरफ को सिलाई लगाई थी, ऐसी मैं इस तरफ को भी लगा के इसे तैयार कर लूंगी। अब ये देखिए, जैसे मैंने पट्टी लगा के तैयार कर ली है, उसी कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से हमने ये लेस ली है इसी के हिसाब से, और हमने ये हाफ इंच का डिस्टेंस दिया है ये देखिए, और मैंने निशान लगाया है पूरे गले पे, ये देखिए हाफ हाफ इंच का। और अब मैं इस लेस को इसमें लगाऊंगी, इस निशान के ऊपर ऐसे कर्व देते हुए, जैसे मैंने ये पट्टी लगाई थी उसी हिसाब से मैं लेस लगाऊंगी। ये देखिए, इस तरीके से हमें हाफ हाफ इंच का डिस्टेंस देते हुए तब इसे सिलना है, बराबर बराबर कपड़ा छोड़ना है, और इस पर हमें एक ही सिलाई लगानी है क्योंकि ये हमारी पतली लेस है। इस तरीके से ये देखिए, हमने लेस लगा के तैयार कर ली। इसके बाद हमने यहाँ से भी थोड़ा सा डिस्टेंस दिया है, और उसके बाद यहाँ से भी हम ऐसे कर्व के हिसाब से इसको लगाएंगे जो हमने पट्टी की कट की के और तभी से सिला था ऐसे। ये देखिए, ऐसे कर्व के हिसाब से हमें इसमें डिस्टेंस रखते हुए तब इसे सिलना है ऐसे, और यहाँ से भी ऐसे, जैसे मैंने इसमें कॉर्नर बनाया था नीचे वाली में, ऐसे ही हमें इसमें बनाना है। ये देखिए, ये इसका बीच सेंटर था, तो यहीं पे हमें कॉर्नर बनाना है। मैं आपको भी बना के बताऊंगी। ये देखिए, ऐसे हल्की सी प्लेट डालनी होती है इस तरीके से ऐसे। और फिर इसे इसी तरीके से सिलना होता है, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस देते हुए ऐसे। ये देखिए, ये पट्टी मैंने सिल के तैयार कर ली। उसके बाद मुझे जैसे मैंने इधर डिस्टेंस दिया था, ऐसा ही मुझे इधर देना है। ये देखिए, इतना लेस मुझे यहाँ से लगानी है इस गले के ऊपर। ऐसे कर्व देते हुए लगानी है ये मुझे, ऐसे ऐसे लेस को इस तरह से घुमाना है। देखिए, इस तरह का इसमें कर्व है। ऐसे जहां से कॉर्नर है वहां से हमें हल्की सी प्लेट डालनी है, जैसे यहाँ पे कॉर्नर है यहाँ पे हमें प्लेट डालनी है इस तरीके से। तो लेस को हम ऐसे थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, देखिए इतना फोल्ड करके, और तब ऐसी मैंने नीचे की तरफ भी सेम ऐसे ही डाली है इस तरीके से, और फिंगर से इसे पकड़ के रखना है ताकि ये प्लेट खुल ना जाए ऐसे, और इसे ऊपर की तरफ को ऐसे लाना है इसी के बराबर में ऐसे, और जैसे लेस का झुकाव थोड़ा इधर रखना है बाहर की तरफ को ऐसे। ये देखिए, ये हमारा गला आपके सामने बन के तैयार है।
मैंने इसमें जैसे मैंने कॉर्नर बनाए थे उस हिसाब से मैंने मोती लगाए हैं, 4 मोती जैसे जैसे कॉर्नर थे उनके ऊपर। और उसके बाद मैंने ये इस गले के ऊपर भी लगाए हैं। ये देखिए हमारे ये फ्लैट वाले मोती हैं, ये नीचे से फ्लैट है और उसके बाद बीच में से इसे लगाते हैं, यहाँ से सुई डाल के तब इसे लगाते हैं। इस तरीके से मैंने बनाया है। मैंने ये पहले सीधी पट्टी कट की कट करके और तब इसमें ऐसे डिजाइन बनाया था और उसके बाद में मैंने इसी कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से मैंने लेस लगाई है। इस तरीके से मैंने इसे बनाया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।